हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज 10 जून की रात। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है रानीगंज नाम के शहर से, जहाँ पर रहता है भागेश। भागेश को सभी लोग पनौती कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो सबके लिए बहुत बड़ी पनौती था। लेकिन आज भागेश का भाग्य बदलने वाला था, क्योंकि आज वो एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। भागेश इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और उसने उस लड़की को अपने थिएटर में बुलाया था। जैसे ही वो लड़की वहां पर आती है, तो भागेश उसे प्रपोज करने के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, वो देखता है कि उस लड़की का मर्डर हो चुका था। ये देखने के बाद भागेश काफी शॉक था, क्योंकि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी किसी ने इस लड़की को कैसे मार दिया। जिसके बाद कहानी एक मंथ पीछे चली जाती है और हम भागेश और उसके भाई बट्टू को देखते हैं, जो मेनका थिएटर के बाहर खड़े थे। एक्चुअली मेनका थिएटर भागेश का था, लेकिन अब वो पूरी तरह से खंडर हो चुका था, क्योंकि ये थिएटर काफी सालों से बंद था। एक्चुअली 28 साल पहले 10 जून की रात को भागेश का जन्म हुआ था, और उसी रात ये थिएटर बंद हो गया और भागेश के पापा की जान चली गई। और इसी की वजह से सब लोग भागेश को पनौती कह के बुलाते थे। जब भागेश स्कूल में गया तो स्कूल की दीवार गिर गई। जिसके बाद जब वो कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी एक दूसरा कांड हो गया। इसलिए सब लोग भागेश से काफी डरते थे, क्योंकि भागेश जिसके पास भी जाता उसकी पनौती शुरू हो जाती। लेकिन बट्टू हमेशा भागेश का साथ देता है। एक्चुअली बट्टू भागेश की मौसी का बेटा था। अब वो दोनों थिएटर के सामने खड़े होकर यही सोच रहे थे कि वो आगे क्या करेंगे। एक्चुअली भागेश का सपना है कि वो इस थिएटर को फिर से शुरू करे और उसे अच्छे से चलाए, ताकि वो अमीर हो जाए। लेकिन भागेश की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी भागेश फैसला करता है कि वो इस थिएटर को रिपेयर करेगा और फिर से स्टार्ट करेगा। जिस पर बट्टू कहता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस थिएटर को शुरू कर सके। जिसके बाद हम साहिब सिंह नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि मेनका थिएटर को देख रहा था, और वो अपने साले तरुण से कहता है कि वो मेनका थिएटर पर हमेशा नजर रखें, क्योंकि साहिब को मेनका थिएटर चाहिए था, क्योंकि उसका कहना था कि मेनका थिएटर बस एक थिएटर नहीं बल्कि उसका प्यार है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मेनका थिएटर के काफी सारे राज थे और इस थिएटर के पीछे कई सारे लोग पड़े थे, क्योंकि हर कोई इस थिएटर को खरीदना चाहता था। लेकिन भागेश की माँ ने किसी को भी ये थिएटर नहीं बेचा था, क्योंकि ये उनके पति की आखिरी निशानी थी। जिसके बाद हम नेपाल की एक भूमा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक फाइट जीतती है। जिसके बाद वो अपने दो साथीदारों से कहती है कि उसके पास आधा नक्शा है, जो कि खजाने का था, और भूमा को बाकी आधा नक्शा चाहिए था ताकि वो खजाने तक पहुंच सके। इसलिए भूमा अपने साथीदारों से कहती है कि वो इंडिया चले जाए, क्योंकि वो आधा नक्शा मेनका थिएटर में ही रखा है। इसलिए वहां जाकर उसके मालिक पर नजर रखे और उस नक्शे के बारे में पता करें। जिसके बाद भागेश को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे घर पर बुलाती है, क्योंकि भागेश की माँ ने भागेश के लिए लड़की देखी थी। लेकिन जब भागेश और बट्टू वहां पर लड़की से मिलने जाते हैं, तो भागेश को पता चलता है कि वो लड़की तो बट्टू के लिए वहां पर आई थी। एक्चुअली भागेश की माँ ने उन दोनों की फोटो अपलोड की थी और लड़की को लग रहा था कि बट्टू ही भागेश है। अब ये बात जब भागेश को पता चलती है, तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि इस बार भी उसकी शादी नहीं हुई थी। भागेश को शादी करनी थी, लेकिन उसकी पनौती की वजह से उसके पास एक भी लड़की नहीं आती थी। जिसके बाद भागेश डिसाइड करता है कि वो खुद को खत्म कर देगा, ताकि उसके साथ साथ सारी पनौती भी खत्म हो जाए। जिसके बाद भागेश अपने ड्रिंक में दवाई मिला देता है और मेनका थिएटर के पास आता है। वहां आकर वो अपनी किस्मत पर काफी रोता है, जिसके बाद वो शराब पीने लगता है। अब उसके ऊपर जहर का असर हो ही रहा था कि तभी उसे एक कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल आता है, भागेश को उल्टी हो जाती है। भागेश जब वो कॉल रिसीव करता है, तो एक पप्पी नाम की लड़की ने उसे कॉल किया था। वो भागेश को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसे शादी के लिए मिलना चाहती है। अब ये बात सुनकर भागेश काफी शॉक था और वो पप्पी से कहता है कि शायद उसने बट्टू की फोटो देखी होगी। लेकिन पप्पी उसे फोटो भेजती है और वो फोटो भागेश की थी। अब ये जानने के बाद भागेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। साथ ही भागेश के ऊपर जहर का असर नहीं हुआ था और उसकी जान बच गई थी। इसलिए भागेश को लगता है कि पप्पी उसकी लकी चार्म है, क्योंकि भागेश पप्पी से बात करते हुए थिएटर के अंदर चला गया था। एक्चुअली उस थिएटर का दरवाजा कभी भी ओपन नहीं होता था, लेकिन पप्पी से बात करते हुए भागेश थिएटर के अंदर चला गया था। इसलिए भागेश अब समझ चुका था कि पप्पी उसकी लकी चार्म है और वही उसकी पनौती दूर करेगी। अब भागेश ये बात बट्टू को बताता है,
लेकिन बट्टू को ये सब बातों में यकीन नहीं था। बट्टू भागीश से कहता है कि पप्पी कोई फ्रॉड होगी, क्योंकि पप्पी ने जो मैसेज भेजा था उसमें उसका फोटो तक नहीं था। लेकिन भागीश को यकीन हो गया था कि पप्पी उसका लकी चार्म है, जिसके बाद भागीश पप्पी के साथ बातों में लग जाता है। साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो थिएटर को रिनोवेट करेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन तभी साहेब उसे इन्वेस्टमेंट का ऑफर देता है, जो सुनने के बाद भागीश काफी खुश था, जिसके बाद थिएटर के रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। अब भागीश कंटिन्यूसली पप्पी से बातें किया करता था और ये बात बट्टू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि बट्टू का कहना था कि उन्हें पप्पी के बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही भागीश ने साहिब से इन्वेस्टमेंट भी ली थी, लेकिन उन्हें साहिब के बारे में भी कुछ ज्यादा पता नहीं था, इसलिए बट्टू को डर था कि कहीं भागीश किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और मेनका का रिनोवेशन कम्प्लीट हो जाता है। अब भागीश पप्पी से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और पप्पी भी इसके लिए मान जाती है। अब भागीश का बर्थडे आने वाला था, इसलिए भागीश पप्पी को 10 जून को अपने थिएटर पर बुलाता है, जिसके बाद भागीश ने डिसाइड किया था कि वो पप्पी को वहीं पर शादी के लिए प्रपोज करेगा। लेकिन जैसे ही पप्पी वहां पर आती है, कोई उसे मार देता है। जब भागीश ये देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां भागीश पप्पी की बॉडी देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि दो आदमी वहां से भाग रहे थे। भागीश उनका पीछा भी करता है, लेकिन वो दोनों भाग जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों भूमा के आदमी थे, जो कि वहां पर नक्शा चुराने के लिए आए थे, लेकिन मर्डर देखकर भाग गए थे। तो वही भागीश देखता है कि वहां पर पुलिस आ रही थी, इसलिए वो थिएटर में आकर छुप जाता है। एक्चुअली पुलिस वालों में इंस्पेक्टर देवराज था, जो किसी भी हालत में भागीश को पकड़ना चाहता था। एक्चुअली देवराज की वाइफ भागीश की पनौती की वजह से टेरेस से गिर गई थी। हालांकि इसमें भागीश की कोई गलती नहीं थी, लेकिन देवराज भागीश से बदला लेना चाहता था, क्योंकि टेरेस से गिरने के बाद उसकी वाइफ ना चल सकती थी ना अपने हाथ हिला सकती थी। देवराज बस मौका ढूंढ रहा था कि भागीश किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो और वो उसे मार सके। और उसी मौके को ढूंढते हुए देवराज थिएटर में आया था। वो देखता है कि वहां पर एक लड़की की बॉडी थी। ये देखकर देवराज समझ जाता है कि अब वो भागीश को सबक सिखा सकता है, जिसके बाद देवराज को वहां पर भागीश भी मिलता है और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। तो वही भागीश देवराज को बता रहा था कि उसने इस लड़की को नहीं मारा, लेकिन देवराज उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वहां से ले जाने लगता है। भागीश को लगता है कि देवराज उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा, लेकिन देवराज भागीश का एनकाउंटर करना चाहता था, इसलिए वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आता है। अब वो वहां पर भागीश का एनकाउंटर करने वाला था कि तभी वहां पर ड्रोन आता है और ड्रोन के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। ये देखकर देवराज चुप हो जाता है और भागीश को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ड्रोन भेजने वाले कोई और नहीं बल्कि भूमा के लोग थे। उन्होंने वो ड्रोन जानबूझकर भेजा था ताकि देवराज भागीश को ना मार सके, क्योंकि अगर भागीश मर जाता तो उन्हें आधे नक्शे के बारे में कैसे पता चलता। जिसके बाद हम भागीश को देखते हैं, जिसे जेल में काफी टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो कबूल कर सके कि उसी ने उस लड़की को मारा है। कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आती है एक कंप्लेंट फाइल करने। अब जैसे ही भागीश उस लड़की की आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पप्पी है, क्योंकि भागीश ने पप्पी को देखा नहीं था लेकिन उसकी आवाज सुनी थी। और भागीश ये आवाज सुनकर समझ गया था कि पप्पी जिंदा है और जो थिएटर में मरी थी वो कोई और लड़की थी। तो वही पप्पी पुलिस वालों को बताती है कि उसका मोबाइल और उसके एक फ्रेंड मिसिंग है। अब पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट लिख लेते हैं, जिसके बाद पप्पी वहां से चली जाती है। तो वही बट्टू भागीश को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि देवराज इतनी आसानी से भागीश को नहीं छोड़ेगा, इसलिए बट्टू अपने शॉप में जाता है और वहां पर एसपी का मोबाइल ढूंढने लगता है। एक्चुअली बट्टू की मोबाइल रिपेयर की शॉप थी और उसके पास एसपी का मोबाइल रिपेयर के लिए आया था, जिसमें बट्टू को उसका एक पर्सनल वीडियो मिल गया था, इसलिए बट्टू एसपी को ब्लैकमेल करता है, जिसके बदले एसपी देवराज को कॉल करता है और भागीश को छोड़ने के लिए कहता है। और देवराज को ना चाहते हुए भी भागीश को जेल से निकालना पड़ता है। अब जैसे ही भागीश जेल से बाहर आता है तो वो बट्टू को बताता है कि पप्पी अभी जिंदा है, लेकिन बट्टू को इस बात की कोई भी खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता है कि पप्पी एक फ्रॉड लड़की है। जिसके बाद हम पप्पी को देखते हैं, जिसे रिक्शा वाला उसका मोबाइल वापस लेकर जाता है। एक्चुअली पप्पी अपना मोबाइल रिक्शा में भूल गई थी और वो रिक्शा वाला उसे मोबाइल देकर चला जाता है। जिसके बाद पप्पी अपने मैसेजेस चेक करती है तो उसकी फ्रेंड नेहा के उसे कई सारे मैसेजेस आए थे। एक्चुअली नेहा कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसका थिएटर में मर्डर हुआ था। एक्चुअली नेहा और पप्पी रूममेट्स थे
और वो एक ही जिम में ट्रेनर थे। जिसके बाद पपी भाग्यश को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब भाग्यश तुरंत पपी से मिलने आता है और पपी को देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। तब पपी भाग्यश को बताती है कि जब वो उससे मिलने आ रही थी तो वो रास्ते में फूल लेने के लिए रुकी, तभी रिक्शा में उसका मोबाइल रह गया और रिक्शा वाला वहां से चला गया, जिसकी वजह से पपी को थिएटर आने में लेट हो गया। लेकिन तब तक नेहा थिएटर में आ गई थी क्योंकि पपी ने उसे बता दिया था कि वो उसे थिएटर में मिलेगी। लेकिन तभी वहां पर उसका मर्डर हो गया। जब पपी थिएटर में आई तो वहां पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने पपी को बताया कि यहां पर एक लड़की का मर्डर हुआ है और इस थिएटर के ओनर को अरेस्ट किया गया है। जिसके बाद पपी पुलिस स्टेशन आई और पुलिस वालों की बातों से वो समझ गई कि जिसका मर्डर हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि नेहा है। इसलिए पपी तुरंत वहां से निकल गई। पपी कहती है कि उसे डाउट है कि नेहा का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि साहिब के साले तरुण ने किया है, क्योंकि तरुण नेहा को पसंद करता था लेकिन नेहा को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। पप्पी भाग्यश को अपना मोबाइल दिखाती है जिसमें नेहा के मैसेजेस थे और नेहा उसमें बता रही थी कि किस तरह से तरुण उसे परेशान कर रहा है और उसे डर है कि तरुण थिएटर में भी आ जाएगा। अब ये सब सुनकर भाग्यश पप्पी से कहता है कि वो जल्दी से तरुण के खिलाफ एविडेंस ढूंढेंगे और सबको बता देंगे कि नेहा का मर्डर तरुण ने किया है। जिसके बाद पप्पी नेहा की बॉडी क्लेम करने जाती है क्योंकि नेहा अनाथ थी, लेकिन देवराज उसे बताता है कि नेहा की बॉडी तरुण लेकर गया। अब ये सुनने के बाद पप्पी काफी शॉक थे क्योंकि तरुण ने नेहा की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। जिसके बाद हम साहिब की दो बेटियों को देखते हैं जिनका नाम है अनिशा और वानी। वानी को ड्रग्स की आदत थी जिसकी वजह से वो काफी पैनिक हो रही थी, लेकिन अनिशा उसे ड्रग्स लेने से मना कर देती है। जिसके बाद वानी राहुल नाम के एक दूसरे ट्रेनर के पास जाती है और उससे ड्रग्स मांगने लगती है और राहुल भी उसे प्रोटीन शेक में ड्रग्स मिलाकर दे देता है। तो वही हम बट्टू को देखते हैं जो काजल नाम के एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से प्यार करता है, लेकिन जब वो उससे मिलने जाता है तो काजल उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। ये देखकर भाग्यश बट्टू का काफी मजाक उड़ाने लगता है। तो वही भाग्यश की माँ और मासी यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक थिएटर की ओपनिंग भी नहीं हुई और इतना बड़ा हादसा हो गया। उन दोनों का ही कहना था कि मेनका बहुत बड़ी पनौती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो मेनका को बेच देंगे, लेकिन मर्डर होने की वजह से कोई भी मेनका को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तो वही पप्पी किसी तरह से तरुण के लॉकर से नेहा का मोबाइल चुराती है और उसे लाकर बट्टू को देती है। जिसके बाद बट्टू सारा डाटा रिकवर करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि नेहा का कई सारे लड़कों के साथ अफेयर था और उसे और भाग्यश को लगता है कि शायद इसी वजह से तरुण ने उसे मार दिया। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो तरुण के ऊपर नजर रखेंगे। तब वो देखते हैं कि तरुण काजल के साथ एक लॉज में जाता है और ये देखने के बाद बट्टू का दिल टूट गया था। तो वही देवराज की वाइफ उसे काफी परेशान कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि देवराज जल्दी से भाग्यश से बदला ले, लेकिन देवराज चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रहा था। तो वही बट्टू और भाग्यश को पता चलता है कि नेहा का राहुल के साथ भी अफेयर था। ये देखने के बाद उन्हें लगता है कि कहीं तरुण राहुल को भी ना मार दे, इसलिए वो दोनों राहुल के घर जाते हैं ताकि उसे वॉर्न कर सके। लेकिन वहां जाने पर वो देखते हैं कि राहुल का मर्डर हो चुका था और वहां पर पप्पी भी थी। पप्पी को देखकर बट्टू को ऐसा ही लगता है कि पप्पी ने ही राहुल को मारा होगा, लेकिन पप्पी बताती है कि वो राहुल से प्रोटीन शेक खरीदती थी और वही लेने के लिए वो यहाँ पर आई थी और उसने देखा कि राहुल का मर्डर हो चुका था। अब भाग्यश को तो पप्पी की बातों पर पूरा यकीन था, लेकिन बट्टू को पप्पी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। बट्टू को लगता है कि जब से पप्पी उनकी लाइफ में आई है, लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, इसलिए वो भाग्यश को समझाता है कि वो पप्पी से दूर रहे, वो उसे धोखा दे रही है। लेकिन भाग्यश उसकी बात नहीं सुनता और पप्पी से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि पप्पी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पर राहुल की डेथ हो चुकी है और अगर पुलिस वहाँ पर आ गई तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि पप्पी ने ही राहुल को मारा है। इसलिए भाग्यश बट्टू से कहता है कि वो पप्पी को लेकर यहाँ से भाग जाए, वो किसी तरह से पुलिस को मैनेज कर लेगा। अब बट्टू ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन भाग्यश के कहने पर वो पप्पी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो वही हम बट्टू को देखते हैं जो सीधा एसपी के घर जाता है और वहां पर सरेंडर कर देता है। ये सुनने के बाद बट्टू काफी शॉक था कि आखिर भाग्यश पकड़ा क्यों गया। तो भाग्यश उसे बताता है कि वो जानबूझकर पकड़ा गया है ताकि वो साहिब के बारे में और जानकारी निकाल सके। यहाँ पर बट्टू बताता है कि नेहा भी साहिब के जिम में ही काम करती थी और राहुल भी वहीं पर काम करता था, यानी कि कहीं ना कहीं साहिब का भी इन सबसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और जिम निकालने से पहले साहिब भी जेल में था, इसलिए अब बट्टू को साहिल के बारे में सब कुछ पता लगाना था। वो कहता है कि वो जेल में रहकर सब कुछ पता करेगा,
और तब तक बट्टू को तरुण के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने होंगे ताकि पुलिस वालों को वो साबित कर सके कि तरुण ने ही नेहा और राहुल को मारा है। लेकिन जब बट्टू तरुण का मोबाइल चुराता है और उसकी लोकेशन चेक करता है तो वो समझ जाता है कि जब वो दोनों मर्डर हुए थे तो तरुण जिम में था, यानी कि तरुण ने वो दोनों ही मर्डर्स नहीं किए थे। वो इस बारे में भागेश को बताता है तो भागेश काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि अगर वो दोनों मर्डर तरुण ने नहीं किए तो किसने किए थे और आखिर कब तक भागेश जेल में रहेगा। साथ ही भागेश की दो लोगों के साथ दुश्मनी हो गई थी, एक का नाम था चंदू और दूसरे का नाम था सत्या, दोनों ही बहुत बड़े गुंडे थे। यहाँ पर चंदू देवराज के कहने पर भागेश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन भागेश की पनौती की वजह से चंदू खुद को ही चोट पहुंचा देता है, जिसके बाद भागेश से सब लोग डरने लगते हैं। तो वही भागेश वहां से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और फिर से जेल में डाल देते हैं। तो वही बट्टू और पप्पी भागेश को जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी प्लान उनका वर्क नहीं कर रहा था, जिसके बाद बट्टू डिसाइड करता है कि वो खुद जेल के अंदर जाएगा, जिसके बाद वो भागेश को भगाएगा। इसलिए बट्टू छोटे मोटे क्राइम करने लगता है जिससे पुलिस वाले उसे अंदर कर सके, और लास्ट में उसका एक प्लान वर्क भी करता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद बट्टू और भागेश जब जेल में भागने की प्लानिंग कर रहे थे तो वो कुछ कैदियों को बात करते हुए सुनते हैं। उनका कहना था कि मेनका थिएटर काफी पनौती है और जब तक वो ओपन रहेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेगी। अब ये सुनने के बाद भागेश और बट्टू काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हें मेनका थिएटर के राज के बारे में कुछ भी पता नहीं था और भागेश को अब मेनका थिएटर के राज के बारे में जानना था। हालांकि उसने इस बारे में कई बार अपनी माँ से पूछा था, लेकिन उसकी माँ ने कभी भी उसे सच्चाई नहीं बताई थी। जिसके बाद हम पप्पी को देखते हैं जो बट्टू और भागेश की बेल करवाती है, और फाइनली वो दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद भागेश अपनी माँ से मिलने जाता है और उन्हें मेनका थिएटर के राज के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं बताती और भागेश को समझाने लगती है कि वो मेनका थिएटर को ओपन ना करे, लेकिन भागेश उनकी बात नहीं सुनता और पप्पी से मिलने जाता है। वो पप्पी से कहता है कि वो उसकी लकी चार्म है, इसलिए वो चाहता है कि वो मेनका थिएटर को पप्पी के नाम से स्टार्ट करे, लेकिन थिएटर स्टार्ट करने के लिए उन्हें कोई मूवी लगानी होगी। इसलिए वो लोग दिनकर नाम के आदमी के पास जाते हैं ताकि उससे मूवी खरीद सके, लेकिन दिनकर उनकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि दिनकर साहिब का आदमी था और साहिब ने उसे कहा था कि वो उसकी मदद ना करे, क्योंकि साहिब उस थिएटर को हथियाना चाहता था। लेकिन भागेश को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए भागेश साहिब के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। वो साहिब को बताता है कि वो मूवी लगाना चाहता है और साहिब इसके लिए मान जाता है। वो कहता है कि वो दिनकर से बात कर लेगा और पैसों का भी बंदोबस्त कर देगा, वो चिंता ना करे। अब ये सुनने के बाद भागेश काफी खुश था, क्योंकि फाइनली अब मेनका शुरू होने वाला था। अब भागेश बहुत ज्यादा खुश था और वो डिसाइड करता है कि वो पप्पी को शादी के लिए प्रपोज करेगा, इसलिए वो पप्पी को थिएटर पर बुलाता है ताकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके। जैसे ही वो पप्पी को प्रपोज करता है, वहां पर भूमा और उसके आदमी आते हैं और उन तीनों को बंदी बना लेते हैं और भागेश को नक्शे के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन भागेश को नक्शे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है कि नक्शा बाहर है और वो बाहर जाकर लेकर आएगा। लेकिन भूमा भागेश को नहीं बल्कि पप्पी को नक्शा लाने के लिए भेजती है। जैसे पप्पी बाहर जाती है तो वो साहिब के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद साहिब थिएटर में आता है और भूमा और उसके साथियों पर अटैक करता है, जिससे वो तीनों ही वहां से भाग जाते हैं। अब ये सब देखकर साहिब भागेश से कहता है कि आज से थिएटर का ध्यान वो रखेगा। तो वही भागेश पप्पी से बात करने जाता है तो पप्पी उसे कहती है कि आज से उनके बीच कुछ भी नहीं होगा। वो भागेश से कहती है कि सबसे पहले वो थिएटर की मिस्ट्री सॉल्व करे, क्योंकि इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वही साहिब को पता चलता है कि राहुल के मरने के बाद वानी को उनकी दूसरी बेटी अनिशा ड्रग्स दे रही थी और इसलिए वो अनिशा पर काफी गुस्सा थे। तो अनिशा साहिब से कहती है कि उसे पता था कि साहिब और नेहा का अफेयर है। ये बात वानी को भी पता चल गई थी और वो काफी टेंशन में थे, इसी वजह से अनिशा उसे ड्रग्स दे रही थी ताकि वो रिलैक्स रहे। जिसके बाद भागेश और बट्टू यही सोच रहे थे कि आखिर नेहा और राहुल को मारा किसने होगा, कि तभी भागेश को याद आता है कि जब राहुल का मर्डर हुआ था तो वो गेम खेल रहा था और उस गेम में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अब ये याद आने के बाद वो फिर से राहुल के घर जाता है और वहां पर सारा फुटेज चेक करता है और तब वो समझ जाता है कि राहुल को किसने मारा। जिसके बाद भागेश वो सारा फुटेज एसपी को भेज देता है, जिसके बाद एसपी वो फुटेज देवराज को भेजता है और हमें पता चलता है कि राहुल को मारने वाली साहिब की बेटी अनिशा थी और पुलिस वाले
अब अनिशा को अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे ये बात साहिब को पता चलती है कि अनिशा के बारे में पुलिस को भागेश ने बताया था, तो वो भागेश के ऊपर काफी गुस्सा होता है। तो वही भागेश की मौसी भागेश को धमकाती है कि अगर उसने थिएटर को फिर से ओपन किया तो वो खुद को खत्म करेगी। लेकिन भागेश उनकी बातें सुनकर इमोशनल नहीं होता और फैसला कर लेता है कि वो किसी भी हालत में थिएटर को रीओपन करके रहेगा। तो वही साहिब अपनी बेटी अनिशा से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने राहुल को क्यों मारा, जिस पर अनिशा का कहना था कि उसने अपने पापा को बचाने के लिए यह सब किया। वो बताती है कि राहुल के पास नेहा और साहिब के कुछ फोटोज थे जिन्हें दिखाकर वो वानी को ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए अनिशा ने उसे मार दिया। अब ये सुनने के बाद साहिब अनिशा से कहते हैं कि वो उसे जल्दी बाहर निकालेंगे। तो वही हम भागेश को देखते हैं जो थिएटर ओपनिंग की पूजा रखता है। वो उस पूजा में पपी को भी बुलाता है और पपी भी वहां पर आ जाती है। वहां पर पपी की भागेश के घर वालों के साथ मुलाकात होती है, जिसके बाद पूजा शुरू होने वाली थी कि पंडित जी कहते हैं कि वो थिएटर के पेपर्स यहाँ पर रखे, लेकिन भागेश थिएटर के पेपर्स लेकर नहीं आया था, इसलिए वो पपी से कहता है कि वो दोनों जाकर पेपर्स लेकर आएंगे। जिसके बाद पपी भागेश के साथ उसके घर चली जाती है और वो पेपर्स ढूंढने लगते हैं कि तभी पपी को वहां पर एक चाकू मिलता है जिसके ऊपर नेहा के टॉप का कपड़ा लगा था। ये वही टॉप था जो नेहा ने मर्डर की रात पहना था। अब ये सब देखकर पपी को लगता है कि शायद भागेश के घर वालों में से कोई है जो इस मर्डर में इन्वॉल्व था, लेकिन भागेश को इस बात पर यकीन नहीं था। भागेश कहता है कि उसके घर वालों में से कोई भी इसका मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन पपी को यकीन था कि जरूर भागेश के घर वालों में से कोई इस मर्डर में इन्वॉल्व है, इसलिए वो उस चाकू का फोटो निकालती है और फिर से पूजा वाली जगह पर आ जाती है। अब वहां पर पपी सबसे पहले बट्टू को चाकू की फोटो भेजती है, लेकिन बट्टू उसे इग्नोर कर देता है, जो देखकर भागेश समझ जाता है कि बट्टू वो किलर नहीं है। अब पपी वो फोटो भागेश की माँ को भेजती है, लेकिन वो भी कोई रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जब पपी वो फोटो भागेश की मासी को भेजती है, तो मासी वो फोटो देखने के बाद काफी पैनिक हो जाती है और तुरंत वहां से निकलकर घर आती है। ये देखकर भागेश समझ जाता है कि उसकी मासी इस मर्डर में इन्वॉल्व होगी, इसलिए वो घर आकर मासी को इसके बारे में पूछने लगता है। लेकिन जब बट्टू ये सुनता है कि भागेश को उसकी माँ पर शक है कि उसने नेहा का मर्डर किया है, तो वो भागेश के ऊपर काफी गुस्सा होता है। तो वही भागेश की माँ भागेश की मासी से कहती है कि वो जानती है कि उसकी मासी ने ये सब कुछ साहिब के लिए किया होगा, जिसके ऊपर उसकी मासी कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भागेश की मासी साहिब को पसंद करती थी। भागेश की माँ भागेश से कहती है कि वो इस चाकू को किसी नदी में जाकर फेंक दे। कि तभी वहां पर पपी पुलिस लेकर आती है और पुलिस वाले मासी को अरेस्ट कर देते हैं, जिससे बट्टू भागेश और पपी पर काफी गुस्सा हो जाता है। अब भागेश जब अपनी माँ से बात करने जाता है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि भागेश जब पैदा हुआ था, तब भागेश के पापा को किसी ने मार दिया था। एक्चुअली भागेश की माँ ने भागेश को हमेशा झूठ बोला था कि उसके पापा ने खुद की जान ली थी, लेकिन ऐसा नहीं था। भागेश के पापा का मेनका थिएटर की वजह से मर्डर हुआ था। भागेश की माँ अभी तक नहीं जानती थी कि कुछ लोग मेनका थिएटर के पीछे क्यों पड़े थे, लेकिन उन्होंने इसकी वजह से अपने पति को खोया था, इसलिए उन्होंने उस थिएटर को हमेशा बंद रखा। जिसके बाद साहिब भागेश की मासी को जेल में मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि भागेश की मासी का और साहिब का अफेयर था और वानी उन दोनों की ही बेटी थी। लेकिन बाद में साहिब ने भागेश की मासी को नहीं अपनाया, लेकिन भागेश की मासी अभी भी साहिब से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसे पता चल गया था कि साहिब का अफेयर नेहा के साथ चल रहा है और इसलिए वो नेहा पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। जब उस रात नेहा थिएटर में आई थी, तब भागेश की मासी भी वहां पर आई थी भागेश को समझाने के लिए कि वो थिएटर फिर से स्टार्ट ना करे। लेकिन जब उसने नेहा को वहां पर देखा, तो उनका गुस्सा काफी बढ़ गया और उन्होंने गुस्से में नेहा को मार दिया, क्योंकि उनकी जगह नेहा ने ले ली थी। साहिब नेहा से प्यार करने लगा था और मासी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब ये सब सुनने के बाद साहिब मासी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि उसने ये सब किया, लेकिन इसके बाद भी वो उसे नहीं अपनाएगा और ना ही कभी वानी को उसकी असली माँ के बारे में बताएगा। अब ये सुनने के बाद मासी और ज्यादा हर्ट हो जाती है। तो वही भागेश पुलिस स्टेशन जाता है और देवराज से कहता है कि वो अपने पापा की फाइल फिर से ओपन करना चाहता है, जिसके बाद देवराज उसे कहता है कि वो कोर्ट जाकर उसके पापा की केस रीओपन करे। जिसके बाद भागेश दो हवालदार को रिश्वत देता है और उनसे अपने पापा के केस की फाइल लेता है, लेकिन जब वो उस फाइल को ओपन करता है, तो उस फाइल के सारे पेपर्स फटे हुए थे। ये देखकर भागेश समझ गया था कि फाइल के साथ छेड़छाड़ हुई थी और ये जानने के बाद वो हवालदार उसे बताते हैं कि कुछ टाइम पहले सफाई हुई थी,
और शायद उस सफाई वाले ने ही ये सब किया होगा। अब भागेश उस सफाई वाले को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका घर बंद था और किसी को भी नहीं पता था कि वो आदमी अभी कहाँ पर है। जिसके बाद कहानी एक महीना आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मेनका थिएटर शुरू हो गया था। साथ ही पट्टू भी भागेश के पास वापस आ गया था और भागेश और पप्पी की शादी होने वाली थी। शादी की तैयारी हो जाती है और जैसे ही उन दोनों की शादी होने वाली थी कि तभी वहां पर एक आदमी का मर्डर हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। अब वो आदमी कौन था और किसने उसे मारा था, इसके बारे में हमें सीजन 2 में पता चल जाएगा। इसका सीजन 2 आ चुका है और उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्दी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स वॉचिंग वीडियो।